और सीधे लिए चलते हैं आपको असम, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और सच में जब हम उन्हें असम के गमछे में देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। ये कांग्रेस है, इसको जवाब देना चाहिए। इतने कभी गोपीनाथ बारदोलाई जी महापुरुष हमारे, उनको अगर भारत रत्न का पुरस्कार दिया था, सम्मान दिया था, तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी आए तो भूपेन हजारिका को, श्रद्धेय भूपेन हजारिका को भारत रत्न सम्मान दिया। ये हमारे महापुरुषों की इज्जत बढ़ाने वाली अगर कोई सरकार है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे ये तो वो पार्टी है, इसने तरुण गोगोई जी को भी पद्म भूषण का सम्मान दिया है बिना किसी भेदभाव के। भारतीय जनता पार्टी तरुण गोगोई जी को सम्मानित कर रही है, लेकिन वो तरुण गोगोई जी जिन्होंने कभी बदरुद्दीन अजमल से समझौता नहीं किया, उस तरुण गोगोई का भी कांग्रेस ने अपमान किया बदरुद्दीन से गठबंधन करके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं। चुनाव काहे के लिए होते हैं? विकास के लिए होते हैं, जनता के कल्याण के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं। पर विकास अगर हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो सकता है, सर्वानंद सोनोवाल के हाथों हो सकता है। ये वो पार्टी है, वो सरकार है जिसने तय किया कि 12वीं पास अगर बेटियां होगी तो उनको स्कूटी दी जाएगी, 2,14,000 बहनों को साइकिल देने वाली ये सरकार है। विकास की नई श्रृंखला 5 सालों में असम में प्रारंभ की गई है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप जो हमारी भलाई करें वोट उसी को देना। बताओ, जो हमारा भला करे उसी को वोट देना चाहिए ना? अरे सब बताओ, उसी को देना चाहिए ना? तो कांग्रेस हमारा भला कर सकती है, कांग्रेस हमारा भला कर सकती है, बदरुद्दीन हमारा भला कर सकता है, राहुल गांधी हमारा भला कर सकता है। और इसलिए आपको कहने आया हूं, भला करेंगे तो नरेंद्र मोदी करेंगे, सर्वानंद सोनोवाल करेंगे, हेमंत विश्वकर्मा करेंगे, रामेश्वर तेली करेंगे, और हमारे नौजवान मित्र तैरोस गोवाला जी करेंगे। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, इधर उधर नहीं देखना है, सीधे कमल के फूल की बटन दबाना है। तैरोस जी ने पहले भी काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तैरोस 5 साल में शेद की तस्वीर रामेश्वर तेली जी के साथ मिलके बदल के आपको दिखा देंगे। और ये आपसे निवेदन है, आपका प्यार और आशीर्वाद तैरोस जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले, मोदी जी को मिले, सर्वानंद सोनोवाल जी को मिले, और आप सब कमल के फूल की बटन दबाएं। यही निवेदन करने आया हूं। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबसे पूछ रहा हूं, सबका आशीर्वाद मिलेगा, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, तैरोस जी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, सर्वानंद जी को आशीर्वाद देंगे। तो आज इस कड़कड़ाती धूप में, इस तीखी धूप में मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को खुद भी वोट देंगे और बाकी सबसे भी वोट दिलाएंगे। भारी बहुमत से हम तैरोस को और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तैयार है ना सब? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ। अब जब संकल्प हो तो खड़े होके ही हो जाए, एक बार अपने अपने जगह खड़े होके, या वहां दूर दूर तक जाओ मेरे भाई और बहन खड़े। आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और पंजा नहीं बजरंग बली का मुक्का बनाइए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की जय, बोल के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मामा भी आपके साथ रहेगा, चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। আমার ভারতবর্ষ আইটা তুম জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মধ্য প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ডাঙরিয়ালে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর ভারত বিখ্যাত, পৃথিবীর বিখ্যাত রজনী চা বাগিচার
পরিচালক আমার রাজীব বড়ুয়া নির্বাচনী প্রচার সভার আজ সভা ভঙ্গ বলে ঘোষণা করেছো। তেরাজ মালক, তেরাজ মালক।